हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक चैप्टर, उसका नाम है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर को लिखा है जैक फिने ने और ये करीब 1958 के टाइम का लिखा हुआ है, उस समय की ये बात करता है। और इसमें जो कहानी है वो टाइम ट्रैवल के बारे में है। इसमें जो चार्ली कैरेक्टर है वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है। तो आइए देखें किस तरह की ये कहानी है। बिफोर यू रीड में इन्होंने लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया है जो दूसरों को बड़ा विश्वास करना कठिन लगता है? चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल श्वेयर। ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो बताएंगे आपको ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पर दैट देयर आर ओनली टू, कि ये जो स्टेशन है यहाँ पर दो ही लेवल हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, देयर आर थ्री, कि तीन लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, ये ऑब्वियस जगह मैं पहुँचा हूँ। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त, मनोचिकित्सक दोस्त जो था मेरा, उससे मैंने बात की। अमंग अदर्स, मेरे और भी दोस्त वहाँ बैठे थे। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। मैंने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। एंड ही सैड, और उसने बोला, इट वॉज़ अ वेकिंग ड्रीम, ये तो जागते हुए सपने देखने जैसा है, विथ फुलफिलमेंट। आप वास्तविकता से भागना चाहते हैं इसलिए आप ख्वाबों में हैं। ही सैड, उसने बोला, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी था इसलिए ऐसा कुछ सोच रहा था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये सुनकर मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगा। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उन्होंने, मेरे दोस्त ने समझाया, दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसका मतलब है कहने का कि ये जो आज का युग है, आज का समय है, वो इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर, डर से भरा हुआ है, वॉर से, वरी से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और सभी इस तरह की चीज़ों से। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और शायद मैं इन्हीं सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि कौन भागना नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई, मैं जानता हूँ हर कोई भागना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर थोड़ी ना गया। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन मेरा दोस्त बोला ये कारण है, ही सैड, वो बोला, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त उसकी बात पर सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ जो पॉइंट की गई, दे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, माई स्टाम्प कलेक्टिंग। अब जैसे मेरा एक शौक था स्टाम्प कलेक्ट करने का, एक तरह की हॉबी होती है, और अलग अलग टाइम के स्टाम्प्स को कलेक्ट करके रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो ये जो स्टाम्प कलेक्टिंग का मेरा हॉबी था, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उनका कहना था कि इसमें भी मैं एक सुकून ढूंढता हूँ, रियलिटी से बचता हूँ। वेल, मे बी, ठीक है भाई, हो सकता है। बट माई ग्रांड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को किसी तरह के बचाव की ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि चीज़ें बड़ी ही बढ़िया थीं, पीसफुल थीं इन हिज डे, उनके ज़माने में। फ्रॉम ऑल आई हेयर,
जो भी मैं सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन शुरू कराया था। ये जो हॉबी है मेरी स्टाम्प कलेक्शन की, उन्हीं की वजह से थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इश्यू, तो इसमें अलग अलग ब्लॉक बने और वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी स्टाम्प इशू हुए वो सारे रखे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर्स के रूप में। दोस्तों मैं बता दूं ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जो स्टाम्प कलेक्शन का शौक़ रखते हैं वो लोग जाते हैं, खुद को ही एक लेटर लिखते हैं और उसे लिफाफे में डालते हैं, नया इशू हुआ जो स्टाम्प है वो उसमें लगाते हैं, और फिर वो उनके ही एड्रेस पर आ जाता है मोहर लगने के बाद, और जिसमें वो जो डेट है, जो टाइम है, वो बाउंड हो जाता है, एंड सो ऑन, और इस तरह से चलता रहता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, अरे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो भी तो स्टाम्प कलेक्शन करते थे, यू नो, आपको पता है। एनीवे, कुछ भी हो, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, लास्ट समर, पिछले गर्मी का मौसम की बात है। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में लेट तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की बड़ी जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने सोचा ग्रैंड सेंट्रल से मैं सबवे ले लेता हूँ, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये मेरे को बस से जल्दी पहुँचा देगा। नाउ आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ ही ये क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ। नेम चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबार्डीन सूट, और मैं एक बढ़िया सूट पहने हुए था, पिक्चर में दिखाया गया है। एंड स्ट्रॉ हैट मैंने लगाया हुआ था, एंड विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ था कैप में। आई पास्ड अ डजन मैन, तो मैं काफ़ी लोगों के साथ गुजरा हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और उस समय मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लाउसा माई वाइफ, मैं तो बस अपनी वाइफ लाउसा के पास जल्दी से पहुँचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल, तो मैं ग्रैंड सेंट्रल के लिए मुड़ा। फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और स्टेप्स पर चढ़कर गया नीचे टू द फर्स्ट लेवल पर, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। वहाँ पर 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलती हैं, कहने का मतलब है स्लो ट्रेन्स मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं दूसरे फ्लाइट में गया, दूसरी जगह पर गया, टू द सेकंड लेवल पर, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से क्षेत्रीय जो ट्रेन है वो मिलती हैं। डग्ड इनटू एन आर्कड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, तो एक घुमावदार जगह थी, वो वहाँ से होकर के मैं गया सबवे की तरफ गया। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, और ये होना ईजी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड स्टेशन ना कई बार गया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल सैकड़ों बार गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं नई नई जगह पर फंस जाता हूँ, एंड स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियाँ मेरे को दिखती हैं, एंड कॉरिडोर दिखाई देते हैं। वंस आई गॉट इन टू अ टनल, एक बार तो मैं एक टनल में फंस गया था, अबाउट अ माइल लॉन्ग, और एक मील दूर भी निकल गया था, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और फिर मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आ गया था। अनदर टाइम आई केम अप, और एक बार तो हुआ था कि मैं आ गया था इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस की बिल्डिंग में ही आ गया था, ऑन 46th स्ट्रीट,
जो 46th स्ट्रीट में है, 3 blocks अवे, 3 block दूर पर। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ना वो एक पेड़ की तरह बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। वो शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा जैसे हम मेट्रो स्टेशंस देखते हैं, कुछ बड़े मेट्रो स्टेशन वो बड़े भूल भुलैया होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा था, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, क्योंकि इसमें हर बार नए कॉरिडोर दिखाई देते थे, स्टेयर केसेस दिखाई देते थे लाइक रूट्स। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ रही हों। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद एक लंबी टनल थी, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। मुझे लगा कि ये सिटी के अंदर निकालेगी, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर की तरफ निकालेगी ये जो रो है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। ये हो सकता है ये रास्ता मेरे को सेंट्रल पार्क की तरफ लेके जाए, एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्ज़िट। तो हो सकता है कि इतने सारे लोगों को निकलने के लिए यहाँ से कोई एग्ज़िट बनाया गया, अ वे ऑफ एस्केप, जिसे मेरे दोस्त लोग एस्केप बोल रहे थे। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, तो हो सकता है इस तरह की टनल में मैं चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा डिटेल अपने मनोचिकित्सक दोस्त को नहीं बताए थे। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में मैं था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ एंगल ले रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की ओर जा रहा था, एंड आई थॉट, मैंने सोचा दैट वॉज रॉन्ग, कि मैं अभी कहीं गलत जा रहा हूँ। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं जाता गया। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, अभी मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपने कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे आसपास से कोई भी व्यक्ति नहीं निकल रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस, फिर मुझे आगे लगा कि खोखला सा कोई खाली सी जगह थी आगे, एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ लोग कुछ लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्नड शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो आगे की तरफ मुड़ी हुई थी, आगे की तरफ गई थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तो मैं स्टेयर्स से होकर के वहाँ गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल पर निकल कर आ गया एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि मैं शायद सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कमरे काफ़ी छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, टिकट विंडो काफ़ी कम थी, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी काफ़ी कम थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ बना था वॉज वुड, वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और बड़ा पुराने डिज़ाइन का था। एंड द मैन इन द बूथ, वो आदमी जो बूथ के अंदर बैठा था, वो रहा ग्रीन आई शेड, उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, ग्लासेस होता है चश्मा तरह से, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और बड़े लंबे लंबे स्लीव वाले कपड़े पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम, वहाँ पर लाइट काफ़ी डिम थी, धीमी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो काफ़ी जल बुझ रही थी, टिमटिमासी रही थी। देन आई सॉ, और तब मैंने देखा वाई, कि क्यों ये सब मेरे को दिख रहा है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो जो लाइट्स थी वो ओपन फ्लेम वाली गैस लाइट्स थी, मतलब जो लैंप वगैरह पहले चला करते थे वैसी वो लैंप थी। देयर वर ब्रास स्पिटूंस ऑन द फ्लोर, पीतल के बने चीज़ें थी फ्लोर पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के चारों तरफ की जो चमक थी उसने मेरी नज़रों को खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच,
एक आदमी ने गोल्ड वॉच निकाली फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी पॉकेट से, एंड ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर खोला, एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच की तरफ देखा, एंड फ्राउंड और मुंह सा बनाया उसने. ही वोर अ डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट पहने हुआ था, पुराने टाइम जैसी हैट. अ ब्लैक फोर बटन सूट, चार बटन वाला एक ब्लैक सूट पहने हुए था, विथ टाइनी लैपल्स, जिसमें छोटे छोटे लैपल लगे हुए थे, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार, और वो एक बड़ा सा ब्लैक हैंडल बार लिए, हैंडल बार मस्टैच, वो लंबी लंबी मुड़ी हुई मूछें जो उसकी दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी पुराने टाइम के लोगों की जैसे मूछें हुआ करती थी. देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा, एंड सॉ, और देखा दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि हर कोई स्टेशन पर जो भी मुझे दिखा वो 1890 स्टाइल वाले उसी टाइम के कपड़े जो है, जो फैशन में थे उस समय, वो पहने हुए था. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे थे, साइड बर्न्स, साइड में बड़े बड़े बाल रखे हुए लोग नहीं देखे थे, एंड फैंसी मोस्टिचेस, और बड़ी बड़ी फैंसी मूछे वाले लोग इन माई लाइफ कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे थे. अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला आई ट्रेन से के गेट से निकल कर. शी वोर आ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, तो वो इस तरह की पुराने डिज़ाइन वाली ड्रेस पहने थी, एंड स्कर्ट्स पहने थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और हाई बटन शूज़ पहने हुए थी. बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक इंजन देखा, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, एक अलग तरह का इंजन था, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसमें एक पुराने टाइम का जो भट्टी टाइप की होती थी, कोयले से चलते थे पहले वो, तो उस तरह का वो बना हुआ था. एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया कि मैं ज़रूर मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं पुराने टाइम में आ गया हूँ. टू मेक श्योर, और इसको श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और मेरी नज़र पेपर के ढेर पर पड़ी, एट हिज फीट, जो उसके पैरों के नीचे थे. इट वॉज द वर्ल्ड, ये जो पेपर मेरे को दिखाई दिया था वो था द वर्ल्ड, द वर्ल्ड नाम का पेपर छपता था पहले उस टाइम पर, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और अभी तो द वर्ल्ड ये जो पेपर है वो सालों से छपा ही नहीं था, छपना बंद हो गया था. द लीड स्टोरी सेड, और उसकी जो मेन हेडलाइन थी वो उसमें वो था समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था. आई हैव फाउंड, और मैंने पाया दैट फ्रंट पेज, वो जो फ्रंट पेज था, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल से था, एंड इट वाज प्रिंटेड June 11, 1894, और इसमें जो डेट छपी थी वो थी 11 जून 1894. आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज़, तो मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा, नोइंग, जानकर दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल, यहाँ पर थर्ड लेवल पर, एट ग्रांड सेंट्रल पर, आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लाउसा एंड मी, जो मेरी पत्नी लाउसा और मुझे लेकर जा सकते हैं वो टिकट, एनीवेयर, कहीं पर भी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहें, वो भी पुराने टाइम में, क्योंकि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया था. इन द ईयर 1894, और वो साल था 1894 का. एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइज, तो मैं गैल्सबर्ग नाम की जो जगह थी वहाँ के दो टिकट मैं लेना चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं वहाँ पर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत बढ़िया टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े घर हैं, बंगलो टाइप, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, घास के मैदान, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज़,
बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड, जिनके उन पेड़ों के जो शाखाएं हैं वो ऊपर जाके जुड़ती हैं, एंड रूफ, और एक तरह से छत बना देते हैं द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, गलियों में। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मियों की इवनिंग्स होती थी वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो आदमी हुआ करते थे वो सिगार पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातें मारते थे। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं थीं वो पंखों से हवा करती हुई दिखाई देती थीं बैठी हुई। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और सारा ये माहौल दिखाई देता था। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, वो शांतिपूर्ण दुनिया थी एक अपने आप में। टू बी बैक देयर, वहाँ पर वापस जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी भी वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर है ये वाले टाइम से। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था ओवर 40 ईयर्स, वो तो 40 साल दूर है इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो इसके लिए, इसको इंजॉय करने के लिए, उस जगह को, उस टाइम को, मैं 2 टिकट लेना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो क्लर्क ने किराया बताया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, तो वो मेरे हेड को देख रहा था बड़े गौर से। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त कैश पड़े थे जिससे 2 टिकट आ जाते वन वे एक तरफ से। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैं पैसा गिन रहा था एंड लुक्ड अप, और फिर मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो वो क्लर्क मेरे को घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उन नोट्स को देखकर, जो नोट थे मेरे पास उनको देखकर वो बोल सिर हिलाया। दैट्स एंट मनी मिस्टर, ही सैड, वो बोला ये पैसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, वो बोला अगर तुम मेरे को मूर्ख बनाना चाहते हो तो तुम बच के नहीं निकल पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर, और उसकी नज़र कैश ड्रॉअर पर पड़ी बिसाइड हिम, जो उसके बगल में था। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वहाँ जो पैसा रखा हुआ था डेफिनेटली वो पुराने स्टाइल का पैसा था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउडेज, वो उस पैसों का जो साइज़ था वो भी काफ़ी कम था, आधा था जितना बड़ा नोट अब हम इस्तेमाल करते हैं डॉलर का। एंड डिफरेंट लुकिंग, और काफ़ी अलग दिख रहा था उस तरह उस टाइम का पैसा। आई टर्न अवे, तो मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से वहाँ से भागा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो जेल भी कोई, जेल को लेकर कोई अच्छी चीज़ें उस समय भी नहीं रही होंगी 1894 में भी, तो मैं जेल जाना नहीं चाहता था, तो भागा वहाँ से। एंड दैट वॉज दैट, तो ये सब हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं वही वाले रास्ते की तरफ आया। आई केम एंड आई सपोज, मुझे लगा कि मैं उसी रास्ते पर आया। नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, जब मैं अपने घर पहुंच गया तो लंच के टाइम पर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, इतने ही डॉलर थे हमारे पास। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल वाली करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माय साइकेटिस्ट फ्रेंड, हाँ, और जब मेरे दोस्त को ये पता चला तो उसे बड़ा चिंता हुई मेरी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तो आपको बता दूं मैं कि आप पुराने टाइम का पैसा खरीद सकते हैं किसी भी कॉइन डॉलर्स डीलर से। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। माय $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मेरे जो $300 थे उनसे $200 से भी कम नोट आ पाए, पुराने तरह के नोट,
आ पाए 200 के करीब, बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, जो अंडे थे वो उस ज़माने में 13 पैसे दर्जन थे 1894 में। मैं चिंता नहीं थी मेरे को, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन वो कॉरिडोर मुझे फिर कभी नहीं मिल पाया। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल की तरफ जाता था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने अक्सर कोशिश करी, बट मुझे वो जगह फिर नहीं मिली। लाउसा वॉज प्रीटी वरीड, लाउसा मेरी पत्नी काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब बताया, एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, वो नहीं चाहती थी कि अभी मैं और ज़्यादा थर्ड लेवल को ढूंढूं, खोजूं, तो वो नहीं चाहती थी। एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़े टाइम बाद आई स्टॉप्ड, मैंने बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माय स्टाम्प्स, मैं अपने स्टाम्प की दुनिया में खो गया। स्टाम्प कलेक्शन का मेरा शौक था, बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, हम दोनों हर एक वीकेंड पर देखते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी है। माय फ्रेंड सैम, सैम वैनर, मेरा जो दोस्त है ना सैम वैनर, जो वही साइकेटिस्ट दोस्त मनोचिकित्सक, वो जो मेरा जो फ्रेंड है ना सैम, डिसअपीयर्ड, तो वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, और ये बात किसी को पता नहीं थी कि कहाँ, बट आई sort of suspected, लेकिन मुझे शक था। because Sam's a city boy, क्योंकि सैम जो था वो तो शहर का रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं अक्सर गैल्सबर्ग के बारे में उससे बात करता था, वो कितनी अच्छी जगह है, कितनी बढ़िया जगह है, कितनी नेचुरल, फुल ऑफ ब्यूटी है वहाँ पर। I went to school there, और मैं बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड, वो हमेशा बोलता था मेरा दोस्त, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि तुम जिस तरह से बता रहे हो वो जगह तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, गैल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह होगी वो। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और अब मुझे लगा कि सैम जो है वो वहीं है इन 1894, और वो भी पुराने टाइम में चला गया है 1894 में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फ्यूजिंग विद माय स्टाम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन में बिजी था, आई फाउंड, वेल डू यू नो, आपको पता है मुझे मिला व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर मिला। जानते हैं आप लोग फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वही जो स्टाम्प कलेक्ट करने के जो शौकीन लोग होते हैं वो खुद को जो सेंड करते हैं लेटर, और में जो लेटेस्ट स्टाम्प होता है उस वो लगा होता है, तो इस तरह से स्टाम्प कलेक्ट हो जाता है एंड उसमें टाइम वगैरह का मोहर रहता है। तो व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब एक नया स्टाम्प इश्यू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टाम्प कलेक्टर्स जो है वो कुछ ख़रीद लेते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और उनको अपने आप को ही पोस्ट करा लेते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, वो भी पहले ही दिन ऑफ सेल, जिस दिन सेल होता है उस दिन पहले ही दिन वो उसको अपने आप को मेल करा लेते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और वहाँ जो मोहर लगा रहता है वो प्रूफ करता है द डेट, वो पर्टिकुलर डेट को। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपेंड, उनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि एनवलप में ब्लैंक पेपर डाला जाता है तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट नाइट, उस रात, अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में मैं जहाँ बैठा था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो कवर था वहाँ पर। It was there, और वो वहाँ था because someone had mailed it,
क्योंकि किसी ने वो मेल किया था टू माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम, उनके घर में से इन गेल्सबर्ग में वो पोस्ट किया गया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सैड, वही एड्रेस एनवेलप पर पड़ा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहाँ था जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड, तो वो पोस्ट मार्क दिखा रहा था दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, वो जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था, सेंट मतलब पैसे होता है, डॉलर चलता है वहाँ, और डॉलर का जैसे हम बोलते हैं 5 पैसा, 10 पैसा, 6 पैसा, तो वो 6 सेंट। डल ब्राउन, ब्राउन पड़ गया था, पुराना था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट गारफील्ड का उसमें पिक्चर था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, तो जब वो एनवेलप आया ग्रैंडडैड के पास, मेरे दादाजी के पास मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और डेफिनेटली वो कलेक्शन में चला गया। एंड स्टेड देयर, वहाँ वो रखा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपेंड इट, जब तक कि मैंने इसे निकाला नहीं और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, और याद रखें कि वो जो पेपर था वहाँ ब्लैंक नहीं था, इट रीड, वो उसमें लिखा था, इट रेड, लिखा था उसमें, एड्रेस था गेल्सबर्ग का, और लिखा था चार्ले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मुझे बिलीव हो गया तुम सही थे। एंड चार्ले, इट्स राइट, इट्स ट्रू, ये सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ दो सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और डेलीज नामक जगह की स्ट्रीट में हूँ अभी इस समय। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल आर आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और फ्रंट पोर्च पर खड़े होकर वो गा रहे हैं, सिंग नैली होम, बढ़िया बढ़िया घर दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कम ऑन बैक, आ जाओ तुम भी वापस आ जाओ चार्ले। एंड लौसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, विश्वास करो, ये बहुत बढ़िया जगह है, बस आ जाओ। द नोट इज साइंड सैम, और वहाँ पर सैम ने अपने साइन कर रखे थे। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, तो स्टाम्प जो था, आई फाउंड आउट, तो मैंने पाया दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने वहाँ पाया कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी वहाँ से ली थी, जहाँ पुराने पैसे एक्सचेंज में मिल जाते हैं। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और उन पैसों से उसने वहाँ पर एक बढ़िया भूसे का और दाने गेहूँ वगैरह का बिजनेस शुरू कर लिया होगा। ही ऑलवेज सैड, वो हमेशा बोलता था, दैट्स वॉट ही रियली विज्ड ही कुड डू, उसका सपना था कि वो इस तरह का कोई दुकान खोल पाए, उसका बड़ा सपना था, डॉक्टर होना उसे अच्छा नहीं लगता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और डेफिनेटली वो चूँकि 1894 में था, तो वहाँ वो मनोचिकित्सक की तरह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय उस जगह मनोचिकित्सक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, नॉट इन गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल भी नहीं। सो इलिनॉइज़ में इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, और उसका पुराना बिजनेस तो चल ही नहीं सकता था, वो डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था। Why Sam was my psychiatrist, क्योंकि वो तो मेरा साइकेटिस्ट था, मेरा दोस्त सैम, तो अभी वो गेल्सबर्ग में थर्ड लेवल पार करके वो गया था, मतलब थर्ड लेवल से गया था। तो ये था ये चैप्टर, आई होप डेफिनेटली
You will enjoy this. Thank you for watching. Thank you very much.